हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कुछ लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनकी गांव में कुछ ना कुछ ज़मीन होती है जहां पे वे लोग खेती करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अपना देश कृषि प्रधान देश है, यहां पे लोग खेती ज़्यादा करते हैं। तो यहां पे अपनी ज़मीन का नक्शा आप लोग देखना चाहते हैं कि आपकी ज़मीन का नक्शा कैसा दिख रहा है, तो ये देखने के लिए आप इस वीडियो पर बने रहिए। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश का किसी छोटे से गांव का नक्शा आप लोगों के सामने दिखाता हूं। ठीक दोस्तों, जैसे मैं मध्य प्रदेश में की वेबसाइट जो आप यहां पे ओपन करेंगे अपने मोबाइल पे घर बैठे कैसे आप अपने ज़मीन का नक्शा देख सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, एमपी भूलेख एक वेबसाइट है, आपको यहां पे ओपन करना होगा एमपी भूलेख। जैसे आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी जो कि इस प्रकार से होगी, आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों ये मध्य प्रदेश वाले लोगों के लिए वीडियो है, और आप अगर किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं तो हाँ आप अलग राज्य से भी आप वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको यूपी अभिलेख डाल देंगे तो आपका उत्तर प्रदेश की जो भी आपकी ज़मीन होगी वहाँ पर आप नक्शा उसका देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर मध्य प्रदेश की ज़मीन से आप नक्शा समझ सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फ्री सर्विस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, फ्री सर्विस यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने इस प्रकार सा एक निःशुल्क सेवा नियंत्रण पटल ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको खसरा भी देख सकते हैं, आप खसरा बी वन नक्शा, खसरा बी वन नक्शा प्रतिलिपि, यहाँ पे आप भू का नक्शा देख सकते हैं ज़मीन का। हमें क्या करना है, हमें भू का अपने नक्शा देखना है तो हमें भू नक्शा पर क्लिक करना होगा। जैसे हम अपन भू नक्शा पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कई ऑप्शन खुल जाएंगे, जिले का चयन करना है, अपने तहसील का चयन करना है, उसके बाद अपन को गांव का चयन करना है। जिस भी गांव से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी गांव में आप अपनी खेती करते हैं, उस ज़मीन का आप उस जगह का आप नक्शा देखना चाहते हैं अपनी ज़मीन का, तो आपको सबसे पहले ज़िले का चयन कर लेना है। मध्य प्रदेश में कई ज़िले हैं, उनमें से आप अपने ज़िले का चयन कीजिए, मुरैना भिंड ग्वालियर दतिया शिवपुरी, आप इस पर नीचे करेंगे तो आपको कई प्रकार के ज़िले खुल जाएंगे जो भी आपका ज़िला हो। यहाँ पर जैसे मैं आप सतना ज़िले का ओपन करना चाहता हूँ, मैं सतना से बिलोंग करता हूँ तो मैं सतना ज़िले का ओपन कर रहा हूँ। तहसील, उसके बाद अपना तहसील आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी तहसील हो, रघुराज नगर, नांगौद, अमरपाटन, ऊंचेरा, रामपुर, बघेलान, रामनगर, मैहर, मझगवां, बीरसिंहपुर, कोटर, कोठी, ऐसा आप अपना तहसील आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ऊंचेरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऊंचेरा के बाद आपको यहाँ पर गाँव सेलेक्ट करना है, आपका गाँव क्या है, इटहा, खोखर्रा, कोरवारा, रामपुरवा, इचौल, राम रगला, नरहटी, ऐसे कई प्रकार के गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, इन गांव में से आपको जो भी गांव हो आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे इचौल सिलेक्ट कर रहा हूं, तो जैसे इचौल मैंने सिलेक्ट किया तो यहां पे कोई अपने आप कुछ थोड़ा डाउनलोड सा होने हो, नक्शा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके जो भी गाँव का इचौल गाँव का नक्शा आपके सामने कुछ समय में होगा। ये देखिए दोस्तों नक्शा डाउनलोड हो चुका है। अब आप खसरा संख्या, अगर आपको पता है अपने खेत की अपनी ज़मीन की खसरा संख्या मालूम है तो आप यहाँ पे साइड में खसरा संख्या डाल सकते हैं, इधर पे खसरा संख्या डालेंगे और जमा करेंगे तो आपको उस खसरा संख्या से रिलेटेड आपकी ज़मीन जहाँ पे भी होगी आप वहाँ पे आपको पीला पीला कलर का एक मार्क्स दिखने लग जाएगा उस खेत पे, तो आप समझ जाएंगे मेरे खेत यहाँ पे उस खेत का नक्शा देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ चेक करते हैं, जैसे 814 यहाँ पे 814 नंबर पे आप चेक यहाँ पे देखेंगे, जैसे एक नक्शा यहाँ पे ये ज़मीन नक्शा दिख रहा है यहाँ पे, जिसका खसरा नंबर होगा 814 ये उसका ज़मीन का नक्शा है, यहाँ पे 814 उसका खेत इस प्रकार से होगा। ठीक है दोस्तों, 813 वाले का इस प्रकार से होगा, ऐसे यहाँ पे ये सारे खसरा नंबर दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, 793, 797 और 812, इस प्रकार से अपनी ज़मीन का नक्शा आप अपने ज़मीन देख सकते हैं आपको। ठीक है, जो आपका खेत का नक्शा है वो सेम इसी प्रकार है या नहीं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी ज़मीन का नक्शा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन उसके बाद आता है, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा, उसके बाद जो भी क्या रहता है नोटिफिकेशन जो होगा मेरे वीडियो का आपके सामने जरूर जल्द से जल्द आएगा, ताकि आप जो भी वीडियो अगली मैं बनाऊँगा। तो ठीक दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।